तक सब कुछ गा दिया गया है। बात माता की करूंगी, लेकिन अब चूंकि एक ही देवी नहीं है, देवियां तमाम हैं, काम उनके वही है। ये बात, नाम बदल जाते हैं लेकिन गुण माता का वही है, चाहे मनसा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो। क्या बात है, हर माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए ही आती है। तो मेरे गीत को सुनिएगा दादा, बहुत सरल सा गीत दे रही हूँ। एक धुन आई थी कौन सी, के तुम बुलाओ मैं ना आओ, टकरा गया और तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गया। अब चूंकि वो पुरुष है जिसने गीत को लिखाया, जिसने गाया, वो एक पुरुष है, इसलिए उसके मुंह से यही अच्छा लगेगा कि मैं आ गया। और मैं एक स्त्री हूँ, और जब नारी कोई गीत गा रही है तो आ गया नहीं, मैं लाने का प्रयास करूंगी आ गई। लेकिन जरा देखिए कौन कहाँ किससे कह रही थी आ गई, सुनिए दादा। जिस समय भागीरथ जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं माता गंगा के लिए कि हे गंगा मैया, मैंने सुना है कि तुम पापों का तरण करती हो, भक्तों के पापों का क्षरण करती हो। तो देखिए वो कह रहे हैं, हम कठिन तपस्या करिबे तो गंगा माँ कृपा करिबे करी है। हम कठिन तपस्या करिबे तो गंगा माँ कृपा करिबे करी है, संकट हरती है भक्तन का तो हमरो भी हरिबे करी है, तारन लाखन की विपदा का, तारन लाखन की विपदा का तो हमरो भी डरिबे करी है, तारन पापिन का निज जलते तो पूरी खन का तरिबे करी है। करूंगी, छोटा के दे रही हूँ। और जब कहा तारे तारे हैं लाखों पापियों को, पुरिखन का भी तरिबय करिए, तो कहा मैया गंगा के लिए कहा के भागीरथ की कठिन तपस्या, भागीरथ की कठिन तपस्या आज तक है फल रही, भागीरथ की कठिन तपस्या आज तक है फल रही, तो भक्ति के वश हो के गंगा, भक्ति के वश हो के गंगा पीछे पीछे चले रही। पीछे पीछे चले रही, पीछे पीछे चले
भागीरथ ने ऐसी तपस्या की कि माता धरती पर माता गंगा को आना पड़ा, और जब माँ गंगा आई तो मैया ने कहा कि है भागीरथ, बन के धारा तेरे कहने पर, बन के धारा भूमि पर लहरा गई, मैं बन के धारा भूमि पर लहरा गई, और तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई, तुमने दी आवाज तो मैं आ गई, तुमने दी आवाज तो मैं आ गई। माता गंगा ने कहा कि भागीरथ तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई, आ गई। और माँ गंगा जब से आई तब से आज तक धरती पर हम सबके पापों का नाश कर रही है। और गंगा माँ भी एक ऐसी देवी है, जैसे ये मनसा देवी है वैसे वो गंगा देवी है। क्या बात है। और गंगा माँ ऐसी देवी है, अगर आप नहा ना पाए तो केवल दर्शन मात्र कर देने से वो आपके पापों का हरण कर लेती है। इसलिए माता गंगा के बगल से कभी भी निकलिए किसी पुल पर किसी रास्ते में, तो खुद भी प्रणाम करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि वो प्रणाम करें, क्योंकि माता गंगा के दर्शन से पापों का हरण हो जाता है। तो बन के धारा भूमि पर लहरा गई, और तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई, मूल का सुर से समर में मूल का सुर। भगवान श्री राम ने 10 सर वाले रावण को तो मार दिया, लेकिन 100 सिर वाले रावण को नहीं मार पा रहे हैं। और जब नहीं मार पा रहे हैं तो माता जानकी को बुलाया, आवाहन किया, और जिसको जिसको बुलाया जा रहा है वही आ रहा है। तो मूल का सुर से समर में हारते श्री राम है, तो बन के काली जानकी तब कर रही संग्राम, तो माता जानकी ने कहा कि हे प्रभु राम, प्रीति पावन नाथ मुझको भा गई, आपकी प्रीति पावन नाथ मुझको भा गई, और तुमने दी आवाज तो लो मैं दादा। तीसरी बात सुनिएगा, और गीत के जवाब में बहुत परेशानी नहीं होगी आपको, बहुत सरल गीत है, क्योंकि पहला चक्र है मैंने छोटा गीत निकाला है और बहुत जल्दी पूरा करूंगी। तीसरी जगह देखिए, हेलो देखो भी कैसा बोल रहा है जी अजीब सा, अब तो बगले में बैठा दियो तो और खराब हो जाएगा। पार्थ यानी अर्जुन, तो पार्थ ने रण हे तुमा को मन से है आवाज दी, तो आके मान तब कृपा से शक्ति सारी साज दी, को बुलाया और कहा मैया अगर आप नहीं आई तो ये अर्जुन हार जाएगा, और अर्जुन की पुकार को मां ने सुना तो कहा, प्रीति अर्जुन मुझको तेरी भा गई, कृपा मेरी तेरे
मन पर छा गई तो तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। सतयुग में माता आ गई, गंगा बनकर त्रेता में जानकी बनकर वही काली आ गई, द्वापर में द्रौपदी भी काली बनकर आई, अर्जुन के लिए माता को आना पड़ा। लेकिन कलयुग में देखिए ना भक्तों की कमी है ना माताओं की कमी है। कहीं भक्त नंदलाल ने पुकारा तो माँ को आना पड़ा, कहीं ध्यानु ने आवाज लगाई तो माँ को आना पड़ा। लेकिन एक बालक ऐसा जिसका नाम है श्रीधर, देखिए श्रीधर ने क्या किया। भक्त श्रीधर की परीक्षा लेता भैरवनाथ है। भक्त श्रीधर की परीक्षा लेता भैरवनाथ है। बन के कन्या श्रीधर जब तक जवान रहा तब तक माता के दरबार में रोज जाता रहा, रोज माता को प्रसाद चढ़ाता है, रोज माता के दरबार की सफाई करता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया और अपनी चारपाई से हिल भी नहीं पाया तो उसने माता से कहा, माँ अभी तक मेरी परीक्षा चल रही थी लेकिन अब तेरी परीक्षा चल रही है। अगर सच में श्रीधर को चाहती है माँ तो इस बार तुमको आना पड़ेगा। और देखिए श्रीधर की परीक्षा ऐसी हुई कि माँ केवल श्रीधर के लिए आई ही नहीं, माँ ने किया क्या? भक्त श्रीधर की परीक्षा लेता भैरवनाथ है। बन के कन्या वैष्णो रानी धरती सर पे हाथ है। बच्चे को माँ भोग करा रही है, प्रसाद करा रही है और कह रही है बच्चे मेरा भोजन पा ले। तो अपने हाथों भोग माता खिला गई तो तुमने दी मान का श्रीधर तुमने दी आवाज तो लो मैं आ गई। मनसा मैया की और ये सच्चे दरबार की। हमारी माताएं मैंने कंजूसी करती हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा बोल दीजिए और क्या बोलिए सच्चे दरबार की। ये बात लगना चाहिए कीर्तन हो रहा है हो या खेल का मैदान हो, बेटियां किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। और प्रियंका गांधी जी का नारा भी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वास्तव में कीर्तन जगत की आप एक स्तंभ है और शक्त स्वरूपा माताएं बहने भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। तो चंद पंक्तियां बेटियों के नाम कर रहा हूँ कि बेटियां हैं क्या, अगर बात अच्छी लग जाए तो आप लोग तालियां अवश्य बजाइएगा। कहा गया है कि बेटियों को इन्हें बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इन्हें बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है,
किसी से डर नहीं सकती, ये सानिया मदर टेरेसा या कल्पना मैरी। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। जोरदार तालियां बजाइएगा। दोनों सक्षम कीर्तनकारों के प्रथम चक्र संपन्न हो गए हैं। अब दोनों कलाकारों को समय के बंधन में बांधा जा रहा है। 35 मिनट में ही सवाल जवाब आप लोगों को करना है, ये समिति का निवेदन है। और यहीं से एक निवेदन करना चाहूंगा कीर्तन सम्राट दादा ज्ञानी जी से कि मामला 2020 का अब 50 ओवर वाला गेम समाप्त। 2020 धुआंधार बैटिंग आपकी तरफ से होना चाहिए। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि गेंद खेलने की रुचि देश में रही सदैव, गेंद खेलने की रुचि देश में रही सदैव, किंतु युग का क्रिकेट सीखना जरूरी था। खेल खेल में तमाम काम भी किए गए, पर यमुना से कालिया घसीटना जरूरी था। इस दौर की है सिरमौर भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जीतना जरूरी था। अरे विश्व कप लाना न लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुष्ट पाकिस्तानियों को पीटना जरूरी था। आइएगा सम्माननीय दादा ज्ञानी जी बड़ा ही सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। दो पंक्तियां हास्य की पढ़ रहा हूं। एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। मच्छरों का दादा बोला, तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को पाटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन्न भन्न चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारी, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। आइएगा सम्माननीय दादा ज्ञानी जी। सुना सुना गुरु सुना। आदरणीय क्रांति जी को बड़ा अच्छा जवाब आया। क्रांति जी ने कहा कि दादा आपने कहीं से कुछ छोड़ा नहीं, और फिर भी जो छोड़ दिया है, जो छूट गया है आपसे, मैं वो ला रही हूं। तो आपने बताया कि सर्पों ने उस पत्ते पर कुंडली लगाई है, तेज तब बदल कर पूर्ण कन्या रूप पाई है। तो जो आप बता रही हो, तेज तब बदल कर पूर्ण कन्या रूप पाई है। अच्छा क्रांति जी, आपने क्या ध्यान दिया था कि मैंने क्या कहा था? मैंने खुद बताया था कि भगवान शिव के तेज से मनसा माता की उत्पत्ति हुई, और इस तरीके से भगवान शिव की पुत्री कहलाई। तो अब जो हम कह रहे हैं, केवल उसको इधर उधर घुमा देने से और आपने काम चला लिया। जब आप कह रहे हो कि हम दादा जो आपसे छूट गया है, मैं वो ला रही हूं, छूटा हुआ कहां ला रही हूं? वो तो मेरे ही दिया हुआ, आप उसी में काम चला रही हूं। ठीक है बिटिया हो, ठीक है जो मर्जी हो लगाओ। क्या कि जो बात क्रांति दिया, जो बात तुमने कही मैंने स्वीकार की है। का जो बात तुम
अरे जो बात तुमने कही मैंने स्वीकार की है और ये सच्चाई है, बात नहीं इनकार की है, ये सच्चाई है बात नहीं इनकार की है। क्यों क्यों? अरे चढ़ती उम्र तुम्हारी मेरी उतार की है, मनसा देवी की महिमा इस संसार लगता है आज जवाबी कायदे से कायदे से हो गए। और इसी बात पर ये गर्मा गर्म 101 रुपए का पुरस्कार आया है, इंडियन हॉस्पिटल एंड जच्चा बच्चा केंद्र, भैया डॉक्टर श्री दीपक सिंह जी, डॉक्टर श्री प्रदीप पाल जी एमडी, अतरौली भटपुर रोड श्यामलाल मार्केट चमका चौराहा गोल बंगला मोड़ भरावन हरदोई, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहिए। गीत आया है एक नेता जी, हालांकि इस समय चुनाव प्रचार चल रहे हैं, कोई हो नेता जी तो बुरा न माने, एक नेता जी अपनी जिंदगी से इतना ऊब गए, एक नेता जी अपनी जिंदगी से इतना ऊब गए कि बिना बताए ही गंगा में डूब गए। एक नेताजी अपनी जिंदगी से इतना ऊब गए कि बिना बताए ही गंगा में जाके डूब गए। जहाँ होनी थी पूजा वहाँ रैली हो गई, जहाँ होनी थी पूजा वहाँ पर रैली हो गई, बस इसीलिए राम तेरी गंगा मैली हो गई। बात दादा, गीत बड़ा अच्छा आया है कि तुम बुलाओ मैं ना आऊं, तुम
सुंदर गीत आया है क्रांति जी। भागीरथ की कठिन तपस्या आपने बताया, भागीरथ की कठिन तपस्या आज तक है फल रही। भक्ति के बस हो के गंगा, भक्ति के बस हो के गंगा पीछे पीछे चल रही। अरे बन के धारा भूमि पर लहरा गई, बन के धारा भूमि पर लहरा गई। और गंगा मैया ने भागीरथ से कहा कि तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। हालांकि टिप्पणी की गुंजाइश है लेकिन करूंगा नहीं। ना ना बिल्कुल नहीं, स्वीकार करता हूं। बड़ा सुंदर गीत है आपका प्रयास, प्रयास कर रहा हूं आदरणीय क्रांति जी, सुनिएगा। देखिएगा अब कुछ बढ़िया मनोरंजक ढंग से क्रांति जी ने कुछ पंक्तियां अतिरिक्त पढ़ दी थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। और अवधि में जो आपने पंक्तियां क्रांति जी पढ़ी थी बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी थी। प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा ही कुछ अच्छा वापस करना है। अच्छा लीजिए लीजिए, ठीक है। सुनेगा, जब ग्राह गज का पकड़ ली सी, देखिए जैसा फिल्म के अंदर तुमने दी आवाज वो मैं आ गया, क्रांति जी ने भी वही लाइन पकड़ी है, केवल टूर्निंग और स्टीमिंग बना दिया। तुमने दी आवाज तो मैं आ गई, तो अब हमको भी यही लाना है कि तुमने दी आवाज तो मैं आ गया। लेकिन सिद्ध कैसे करना है आप लोग देखेगा प्रयास। और इसमें युग भी लगा दिए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर। प्रयास करता हूं क्रांति जी कि आपने सतयुग में गंगा का प्रसंग लिया और इधर मैं गज और ग्रह का प्रसंग ले रहा हूं, सुनिएगा क्या बात है गुरु। अरे जब ग्रह गज का पकड़ ली थी, हैरान बेचारा रोई रहा। जब ग्रह गज का पकड़ ली थी, हैरान बेचारा रोई रहा। जब ग्रह गज का पकड़ ली थी, हैरान बेचारा रोई रहा। दिन मां जान पति वही का वहां धीरज अपने को
तो अपने प्रभु को अपनी आत्मा से यूं कह के बुलाया क्या कि जब फंसा मुश्किल में गजबो भाव भगवान की आत्मा में समा गया। कैसे? अरे भाव मन
अभिनंदन है। आखिरी टुकड़ा, आखिरी टुकड़ा दे रहा हूं। द्रौपदी रोती बिचारी, कमेटी की तरफ से समय का प्रतिमान जरूर लगाया गया है, लेकिन चूंकि अब युग चारों गाए हैं क्रांति जी ने, तो चारों युग में हमको जवाब देना। अगर कोई हम युग छोड़ देंगे तो क्रांति जी कहेंगे दादा आपने वो युग छोड़ दिया मेरा, तो इसलिए मजबूरी है कि हमको युग चारों ही गाने पड़ेंगे। द्वापर में देखिएगा द्रौपदी का चीर हरण दुशासन कर रहा है। द्रौपदी हे भैया हे कन्हैया, हे भैया हे कन्हैया कर रही है। द्रौपदी रोती बिचारी चीर पापी हर रहे, और अपने ही दुश्मन बने हैं, अपने ही दुश्मन गदे हैं, कर्म ऐसा कर रहे। भगवान कृष्ण ने चीर ही नहीं बढ़ाया बल्कि प्रकट हो गए। कहा कन्हैया ने कि नाम तुमने दी आवाज दो मैं अब कलयुग भी क्यों छोड़ दिया जाए। इसको कहते जानकारी। कलयुग का प्रसंग देखिएगा, एक बार सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। हैं कि सूखे कुएं में गिर गए, गिर गए गड्ढे में। अब वहां पर देखिए क्या हो रहा है। गिर गए गड्ढे में जब वो तुमने दी आवाज।